आवाज के बीच लहराते तिरंगे के बीच हम मौजूद हैं सिडनी सुपरडोम के बाहर। ऑल फोन्स अरीना भी कहा जाता है इसे, लेकिन आज लगता है कि ये ऑल मोदी अरीना होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और उससे पहले लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो यहां पर उमड़ आया है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कोने में लोग रहते हों, सब यहां पर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिडनी पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और साथ ही वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया, एबोरिजिनल नृत्य के जरिए नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने ये दिखाने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से बाहें फैलाए नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था। एक तरफ हिंदुस्तानी जरूर है जो अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी है। कहा जाता था हमेशा से कि ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है हिंदुस्तान की तरफ हाथ बढ़ाने में, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से वो थामा नहीं जाता। तीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भारत जाते तो एक हिंदुस्तान की तरफ से यहां पर आता था। 28 साल पहले आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और अब नरेंद्र मोदी हैं। क्या जुनून की वजह यह है या फिर जुनून की वजह नरेंद्र मोदी की अपनी शख्सियत है? यहां पर जो तमाम लोग हैं हमारे, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि सिडनी में किस तरीके से इतिहास रचा जाने वाला है। किसी विदेशी धरती पर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी दीवानगी शायद इससे पहले कभी नहीं दिखी होगी। सिडनी में लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। कोई उन्हें देखना चाहता है, कोई उन्हें सुनने के लिए बेकरार है। आज सिडनी में इतिहास रचा जाने वाला है। आज सिडनी में कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि आज मोदी सिडनी के मशहूर ओलंपिक पार्क के अल्फांस एरिना में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी का वक्त होगा भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किसी पराये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा जुनून कभी नहीं दिखा था। We have an opinion that Australia's land is blessed, just like Ramchandra ji ne jahan jahan kadam rakhe tirth sthal ban gaye. Australia tirth sthal ban gaya hai kyunki Modi ji ke padarpan yahan ho gaye hai. Heard him many times, I'll be hearing him in Melbourne as well, but I don't want to miss any opportunities. Bahut zyada waqt nahi bita hai jab Narendra Damodar Das Modi ke liye unmad sarikha mahol New York ke Madison Square Garden mein bhi dikha tha. Kareeb 18,000 logon se bhar gaya tha aitihasik Madison Square Garden. मोदी मोदी की गूंज ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया था। आज फिर से बिल्कुल वैसा ही पागलपन, वैसा ही उतावलापन, वैसा ही नजारा सिडनी के अल्फांस एरिना में दिखने वाला है। मोदी के दीवानों का तो दावा यहां तक है कि सिडनी आज न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देगा। कच्छ भुज से आई हूँ, मोदी के मत क्षेत्र से, जहाँ कच्छ में भूकंप आया, तो वहाँ छोड़कर यहाँ पर आप सुनने के लिए? हाँ, मैं अपने बेटे के पास आई हूँ खास इसी के लिए। हम इंडियन का कल्चर दिखाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में मोदी के साथ। मल्टी कल्चरल सोसाइटी है तो मोदी जी का टी शर्ट पहन के लाके दोनों कमेटी के साथ काम करें। मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं और वो देश के लिए जो कर रहे हैं वो जानने के लिए आए हैं। अल्फांस एरिना में पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए भारतीय समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों से सिडनी पहुंच चुके हैं। इन्हें भी बस इंतजार है उस वक्त का जब मोदी इनसे अपने मन की बात करेंगे। जब आप स्टेशन पर इस तरह का उत्साह देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिडनी के उस ऑल फोन्स अरीना में क्या होने वाला है, क्या वो मेडिसन स्क्वायर से बेहतर होगा। यहाँ के लोग चाहते हैं कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया को हम अमेरिका से बेहतर बनाएंगे नरेंद्र मोदी के रिसेप्शन के लिए। तो बस आप भी कुछ घंटों का इंतजार कीजिए और देखिए आज कैसे सिडनी में गूंजता है नमो नमो का मंत्र, कैसे छाता है मोदी का मैजिक। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक गर्ल। सिडनी से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं हम कह सकते हैं एक कहानी है सबके पास, एक किस्सा है कि आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। ये छोटी सी लड़की है महक, नरेंद्र मोदी से आज मिलना है। क्या खास है, क्या अलग है? हम ये पेपर कटिंग भी देख रहे हैं आपके हाथ में।
मैंने एक लेटर लिखा था नरेंद्र मोदी को और मुझे मैं चाहती कि वो मुझे वो रिप्लाई मिले। तो क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है कि इंडिया क्लीन अप डे होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में नहीं इंडिया में, और पेरेंट्स हेल्प करने चाहिए स्कूल्स में, और रीडिंग लाइब्रेरी होनी चाहिए और लाइब्रेरी डे एवरी और एवरी किड इन इंडिया शुड गेट द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन। ये एक सोच है एक नन्ही सी बच्ची की जो नरेंद्र मोदी की तरफ वो देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। हिंदुस्तान से आए हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आए हैं देखने उनको? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, कैनबरा। कैनबरा से 300 किलोमीटर दूर से मोदी जी को सुनने आया हूँ। क्रिकेट मैच की तरह लग रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए कि मैं मोदी का दीवाना हूँ। मैंने गुलामी के दिन देखे हैं ब्रिटिश राज के अंदर, और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता देखी, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कई बदलाव देखे, और आज ये बदलाव देखने मिल रहा है। यह बदलाव सारे भारत में अपनी किस्म का नया बदलाव है। युवा शक्ति के अंदर जो जागृति आई है, इसका संपूर्ण श्रेय मैं मोदी जी को देता हूँ। तो देखिए, दो पीढ़ियों से बात हमने की, दो पीढ़ियां किस तरीके से उत्साहित है नरेंद्र मोदी के आने के लिए वो आपने देखा है, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि पूरी रात किस तरीके से ट्रेन में सफर करके मेलबर्न से सिडनी नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे तमाम लोग, और आज सिडनी के इस ऑल फोन्स अरीना में वो यही होने वाले हैं। इससे पहले कि आप किसी धोखे में आ जाएं, हम आपको बता दें कि ये तस्वीर और ये ट्रेन दोनों भारत की नहीं। ये हैरान करने वाला नजारा है, दिल्ली से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर मेलबर्न का, जहां मोदी एक्सप्रेस में सवार होकर भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग सिडनी के लिए रवाना हुए। रात भर पूरी रास्ते ट्रेन में नमो नमो के नारे लगते रहे। एक रात के सफर के बाद ट्रेन जब सिडनी सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो यहां का माहौल देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही मोदी के समर्थकों का जुनून और हौसला दोनों रोमांच की आखिरी सीमा को तोड़ने पर आमादा दिखा। मोदी को दर्शन के लिए आए हैं, पहले इंडिया से यहाँ आए, फिर मेलबोर्न से रात ट्रेन में यहाँ आए हैं। ऐसा ही पागलपन चला है पूरे रास्ते? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, इससे ज्यादा था इनफैक्ट। डांस करते हुए आए? हाँ डेफिनेटली डांस करते हुए आए और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए आए। रास्ते भर ढोकला और अब गरबे की धुन पर डांस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान बीच में रखा हुआ है लेकिन किसी को सुध नहीं है। सारे लोग यहाँ पर आपको बस या तो तिरंगे के रंग में नजर आएंगे या फिर आपको नजर आएंगे नरेंद्र मोदी के रंगों में। ये सभी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मेलबर्न से सिडनी पधारे हैं। हिंदुस्तान से आए अपने सबसे लोकप्रिय नेता को देखने सुनने की खुशी को ये मानो समेट नहीं पा रहे हैं। कभी भांगड़े से इसका इजहार कर रहे हैं तो कभी सिडनी सेंट्रल स्टेशन पर भी गरबे की धुन पर थिरकने लग रहे हैं। जिसे जो समझ में आता है उस तरह की नाच में अचानक टूट पड़ता है यहाँ पर, चाहे महिलाएं हो, लड़कियां हो, लड़के हो, बिल्कुल जिस तरह से झूम झूम कर गरबा कर रही हैं इधर आई है। रास्ते भर डांस करके एनर्जी खत्म नहीं हुई है? नहीं, पूरी रात नहीं, पूरी रात भी जागे, उसकी अगली रात भी जागे हुए है, कभी भी एक्साइटेड, ये थकान महसूस ही नहीं हो रही है मोदी जी को देख के। आप लोग भी ये बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं यहाँ पर, नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं या कोई क्या करने आए यहाँ पर? नरेंद्र मोदी से मिलने आया हूँ। मोदी समर्थकों का जोश सातवें आसमान पर है। ऐसा लग रहा है मानो इनकी कोई बरसों पुरानी मुराद पूरी होने जा रही है। पूरा का पूरा सिडनी सेंट्रल स्टेशन तिरंगे और मोदी के बैनर पोस्टर से रंगीन हो चुका है, और तो और खुद स्टेशन के सुरक्षा गार्ड भी इस माहौल से दंग है। We've never seen such passion. So we had the Italian Prime Minister here yesterday, and the Indian Prime Minister Mr. Modi coming here today. Look at them all. They're all having a lovely time, aren't they? देखकर वाकई यकीन नहीं होता है कि ये एक ऑस्ट्रेलिया का स्टेशन है, ये सेंट्रल सिडनी स्टेशन है जहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग रुक रुक कर देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो पागलपन है उसे देख रहे हैं, क्योंकि
यहाँ कहने के लिए बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, कई प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सब आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को जैसा वेलकम मिल रहा है वैसा किसी को मिलने नहीं वाला है। वाकई कमाल है, ये मोदी मैजिक नहीं तो और क्या है, जिसकी गिरफ्त में पराई जमीन भी दीवानी हो उठी है। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मेलबर्न से ट्रेन भर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कभी ऐसी तस्वीरें देखी नहीं थी कि इतने सारे लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए कहीं पर आए। आप लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, तिरंगा ओढ़ कर आई है आप, हाँ? ऐसे होली दिवाली भी मनती है यहाँ पर या नहीं? हाँ मनती है, लेकिन मोदी के अब आने की खुशी में तो कुछ अलग ही बात है। ही इज अ मिरेकल मैन, वंदे मातरम। क्या मिरेकल, क्या मिरेकल, क्या खास सबसे लगता है नरेंद्र मोदी? व्यवस्था परिवर्तन किया है मैम उन्होंने, और मैं भी मेलबर्न से आया हूँ, मोदी एक्सप्रेस से आया हूँ। मैं कल शाम से चला हुआ हूँ, और केवल इसीलिए कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमने कई सालों बाद देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इतने सालों बाद हमने मनमोहन सिंह का मौन चेहरा देखा, और अब मोदी को हमने देखा है इतने सालों बाद, जो कि कर्म में बिलीव करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये कहा जा रहा है, जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी अपने साथ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तानी समर्थकों को। आप लोग यहाँ पर रहते हैं या? मैं यहाँ गोल्ड कोस्ट से आई हूँ और मोदी की बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट हमारी बहुत सी उम्मीदें मोदी पे है। हम वापस भारत जाना चाहते हैं, अगर मोदी भारत का सुधार कर दे, अगर वहाँ करप्शन खत्म हो जाए तो आधे से ज्यादा से लोग यहाँ से वापस जाना चाहेंगे। कर सकते हैं ऐसा? बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद मोदी जी पर। उम्मीदें बहुत हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हैं, और हम सबको उम्मीद है कि वो अपनी हमारी एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे, और हमारे लिए जो हमें चाहिए हिंदुस्तानियों को, जो यहाँ छोड़ के इंडिया से यहाँ पे आके बसे हैं, हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा इंडिया हो जाए ताकि हम लोग वापस जा सके। ये उम्मीदों का सैलाब है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो कुछ न कुछ उम्मीद लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी मिरेकल मैन कह रही हैं, जो सपने पूरे कर सके, जो उनके लिए एक बेहतर भविष्य हिंदुस्तान में दे सके, ताकि ये घर भी लौटने की सोच सके। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि सिडनी का ये जो ऑल फोन्स अरीना है वो क्यों इस तरह से ऐतिहासिक माना जाता है, कितनी क्षमता है उस स्टेडियम की। अभी तक 17,103 लोग करीब बताया जाता है रिकॉर्ड के तौर पर यहां पर पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी के लिए करीब 27,000 लोग चाहते थे यहां आए, 23,000 ऐसे लोग थे जो लकी ड्रॉ में आगे तक बढ़ पाए, लेकिन 16,000 कुछ की संख्या रही जिन्हें आखिरकार अंदर जाने का मौका मिला, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरह से स्टेज का निर्माण हुआ है इतने ही लोग यहां पर रह सकते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयार है सिडनी का मशहूर अल्फांस एरिना। कहा जाता है कि दुनिया के तीन सबसे खास इंडोर स्टेडियम में अल्फांस एरिना की गिनती की जाती है, और इसी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हजारों लोगों से मुखातिब होने वाले हैं। ये सिडनी का ओलंपिक पार्क एरिया है, और सिडनी ओलंपिक गेम्स के दौरान यहाँ पर जिम्नास्टिक्स, वेटलिफ्टिंग जैसे खेल का आयोजन किया गया, और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है। इससे पहले दुनिया के किसी भी नेता का यहाँ पर कोई भी इवेंट नहीं हुआ है। कॉन्सर्ट्स हुए हैं, उसमें नेता 2-3 मिनट के लिए आके भाषण दे चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी एक नेता के लिए ये स्टेडियम इससे पहले नहीं भरा है। अल्फांस एरिना में सीटों की संख्या 17,000 के आसपास है, और आपको बता दें कि इसके सभी सीटों के टिकट कई दिन पहले ही बिक चुके हैं। हजारों लोग तो स्टेडियम के बाहर विशालकाय स्क्रीन पर अपने चहेते नेता को सुनने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस मजबूरी को भी मोदी भक्त अपनी खुशकिस्मती मान रहे हैं। एक हम लोग समझते हैं कि एक समय है हमारे लिए, एक मोमेंट है, जो स्पीच शुरू होगी तो सब लोग एक कॉन्सेंट्रेट से सुनेंगे, क्योंकि उनकी स्पीच में कुछ ऐसी बात होती है जो इंस्पायर कर जाती है पूरी लाइफ। चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी को सुनने के लिए दूसरे देश के लोग भी सिडनी का रुख कर चुके हैं। ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है तो इंडियन ही आ रहे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अफगानी है, ईरानी है, बांग्लादेशी है, इवन ऑस्ट्रेलियंस है, जो पहले से उनको फॉलो करते आ रहे फ्रॉम द टाइम ऑफ इलेक्शन, और वो खुद आना चाहते हैं हमारे साथ, और वो कहना चाहते हैं कि उनको फिर भी, क्योंकि वो जो भाषण होगा हिंदी में होगा, वो कहना चाहते हैं हम फिर भी आएंगे, उनको देखेंगे, सुनेंगे, और आपसे सुनेंगे कि आप उन्होंने क्या कहा। सिडनी में बोहरा मुस्लिम समुदाय के 116 परिवार रहते हैं, और इनमें से 100 लोग आज सिडनी के अल्फांस एरिना में मौजूद रहेंगे। इन्हें भी इंतजार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, सोच, नजरिए और दिल की बात सीधे दिल से सुनने का। सिडनी से राहुल कमल और श्वेता सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो। सिडनी से हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दिन भर हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। हम आपको पूरा माहौल, मूड, जुनून, जज्बा सब दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी क्या सुनाते हैं उसका विश्लेषण भी यहीं पर करेंगे हम। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।